ओके तो आज आप संडे के दिन यहाँ पे आई, इस कंपटीशन के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला आपको? आई थिंक थ्रू ऑन द स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप आई केम टू नो अबाउट इट मेजरली, सो थ्रू सोशल मीडिया बेसिकली जनरली। ओके तो इसके पहले कितना पता था भारतीय विद्या भवन के बारे में कि कुछ ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करवाता है? भारतीय विद्या भवन के बारे में तो काफी कुछ सुना था एंड काफी एक्टिविटीज में काफी ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, नॉट ओनली दिस आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इनकी चलती है और भारतीय विद्या भवन की अपनी एक पहचान है। बिल्कुल वो तो है। तो कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा, इनफैक्ट संडे मॉर्निंग बड़े अच्छे से हो गई विद आवर फ्रेंड्स, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। आई थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव है बाय भारतीय विद्या भवन। आप लोग भी साथ में बैठे हो, मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता ना कि मंडे टू जो सैटरडे वाला शेड्यूल होता है घर परिवार में ही चला जाता है। बच्चों ने एंजॉय किया और साथ में हम पेरेंट्स से भी एंजॉय खूब किया। तो बच्चों को कितना पसंद है मैम ड्राइंग? बहुत पसंद है बच्चों को। तो चाहती हैं आपके बच्चे अपने पैशन फॉलो करें? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ, अभी देखो उनका बाकी आगे जाके कैसे होता है चीज। बाकी ड्राइंग तो पसंद है बच्चों को काफी। क्या बता, आपकी बेटी है या बेटा? बेटी है। क्या बनाया उन्होंने? उसने चिल्ड्रन सीन, वो चिल्ड्रन पार्क का सीन था ड्राइंग। अच्छा, मैं ये टॉपिक दिए थे। हाँ चिल्ड्रन, एक चीज मैम ये होती है कि आउटडोर एक्टिविटी सब खत्म होता जा रहा है। हाँ जी। आपको ऐसा लगता है? काफी हाँ, ये क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे पोल्यूशन जैसे हो रहा है, वेदर चेंजेस के कारण हो रहा है, तो बच्चे इंडोर ही ज्यादा खेल रहे हैं आजकल। अच्छा इंडोर, आप आउटडोर एक्टिविटीज करवाती या नहीं फिर उनसे? हाँ जी ऐसे तो कराते हैं, जब मिलता है टाइम तो बच्चे कर रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन करे हुए हैं। अच्छा मैम मेरा सवाल अब आपसे है कि अभी चीज ये देखी जा रही है कि लोगों को पैशन फॉलो करने को नहीं बोलते कि ठीक है रैपर बनना, फोटोग्राफर बनना या फिर पेंटर बनना सब अलग है, लेकिन तुम अपना करियर तो सेट कर लो। तो आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अपने पैशन को छोड़ के अपना करियर बनाए या फिर ठीक है? नहीं ठीक है, जो अंदर से आता है, जो अंदर से इनसाइड पैशन आता है उससे कोई फॉलो करेंगे तो एक तो लाइफ में फुलफिलमेंट रहती है, सेटिस्फेक्शन रहती है और मेरे हिसाब से बच्चा उसी में अच्छा कर पाता है। तो इसने काफ़ी, ये मेरी डॉटर है, इसने काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्वाइन कर रखी हैं, तो अभी तो बेस है तो अभी स्टार्ट करें, अभी इसे मालूम चल जाएगा इसका किस में इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो उसी को फॉलो करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर कैसा लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा, लास्ट ईयर भी इसने पार्टिसिपेट करा था, काफी अच्छा रहा यहाँ पे ड्राइंग इवेंट, काफी तो अच्छा रहता है। ड्राइंग इवेंट को आप कैसे देखती है, एज अ कंपटीशन या फिर यहाँ पे आके लोगों ने बहुत सीखा, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, घुलना मिलना? बच्चों के लिए बहुत ही लर्निंग और एक्सपीरियंस का टाइम होता है ये, तो सबके साथ बैठ के एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना और सबके साथ कैसे हमें हर लेवल पे जाना है, कैसे सब बच्चे मिलजुल के काम करें, वो सब काफी चीजें सीखी बच्चों ने। इसके अलावा मैम आपको घर के कामों से थोड़ा छुटकारा मिल गया, साथ में टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने आज, वो चीज़ काफी टाइम बाद ही हम लोगों ने साथ में, बच्चे यहाँ पे इवेंट कर रहे थे, हम लोगों ने कॉफी पी और साथ में अभी ब्रेकफास्ट किया है, तो काफी अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मतलब बच्चों ने भी काफी एंजॉय किया, सीखे, एक दूसरे से सीखे, शेयरिंग सीखे। बेसिकली मैंने तो अपनी बच्ची को वाटर कलर्स दिए भी नहीं थे, सो शी गॉट वाटर कलर्स फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड ये बहुत अच्छी चीज होती है जो हम सिखाते हैं अक्सर बचपन में, कि शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन जब तक एग्जांपल ना हो तब तक समझ में नहीं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट शी विल डू सो मच ऑफ शेयरिंग विद हर फ्रेंड्स, कि टोटली डिफरेंट कलर शेड्स पे चले गए वो, सो इट वॉज अ गुड थिंग। Kids as well as us, हमें free time मिल गया, अच्छा।